जय हिंद साथियों, मैं रंजन सवाल बिंद 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मध्य प्रदेश अधीन रीवा जिले की एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो सबसे ज़्यादा चर्चित हमेशा बना रहता है, लेकिन इसके बाद भी किसी भी तरह से कोई भी समुचित और सकारात्मक कोई भी परिणाम नहीं आ पाता है। मैं बात कर रहा हूं आबकारी विभाग अधीनस्थ जितने भी शराब की जो दुकानें हैं, अभी पीते हाल में ही अप्रैल के माह में ही नया टेंडर हुआ है। नए टेंडर के अधीनस्थ कई क्षेत्रों में अलग अलग जगहों में अलग अलग जगह स्थानांतरित होकर के दुकानें खुली हैं, लेकिन इन दुकानों की जो स्थिति है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये बताया जाता है कि MRP से ऊपर किसी भी प्रोडक्ट में कहीं भी कोई भी सामग्रियां नहीं बिक्री होती हैं, या फिर कोई भी अगर प्रोडक्ट अगर MRP से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट अगर MRP से ज़्यादा अगर कोई बेचता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ गढ़ क्षेत्र यानी गढ़ थाना अधीनस्थ एक शराब की दुकान है जो कि जितेंद्र कुमार मौर्य लाइसेंसधारी हैं, जो कि अभी बीते हाल अप्रैल के माह में ही नया टेंडर हुआ है। यहाँ पर काफ़ी दिनों से जो MRP होती है वो MRP से दोगुनी रेट पर लगातार शराब बिक्री हो रही है। जैसा कि आप, एक छोटी सी क्लिप है, आप इस क्लिप पर देखिए। सर 5,000 कैन है कहाँ? 1,000 और 5,000 में और कोई नहीं। बाटल बियर में 6,000 है। चीनी थी सर? नहीं, हंटर पीरा। हंटर कितने का है? 220। MRP भी है 220 से होगी। MRP में नहीं मिलेगा? MRP में नहीं मिलता? MRP में कोई शराब नहीं मिलती? नहीं। तो पूरे MP में होगा ऐसे सर? पूरे MP में जी ओपन शायद MRP मिलती है सर। हाँ, ओपन होती है लेकिन MP नहीं है। तो इसी कोई वजह होगी सर? महंगे दुकान लेते हैं तो महंगे अपने बिकवाते हैं। ये तो डबल रेट में, जैसे मान लीजिए डबल रेट में ज़्यादा ही ना मिल रही है। जैसा कि आप इस क्लिप पर देखे होंगे, ये इनके द्वारा जो सेल्समैन है, सेल्समैन के द्वारा बताया जा रहा है, यानी कोई भी प्रोडक्ट MRP में नहीं मिल रहा है, MRP से ज़्यादा मिल रही है प्रोडक्ट। और उसका मैंने वजह पूछा, उसमें मैं स्वतः गया था सिर्फ इसकी जांच पुष्टि करने के लिए, या पुष्टि करने के लिए कि जो वीडियो लगातार वायरलें हो रही हैं, अभी बीते हालों में लगातार शिकायतें हो रही हैं कि आखिर MRP से ज़्यादा यहाँ बिक्री हो रही है, उसी के मैंने पुष्टि करने के लिए पहुँचा। और पुष्टि के दौरान ये हमारे सीक्रेट कैमरे के माध्यम से ही वीडियो कैद हुई, इस वीडियो में देखा जा सकता है। मैंने इसकी वजह पूछा, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि लाइसेंस में मोटे रकम दिए जाते हैं, इस वजह से यह प्रोडक्ट महंगे मिल रहे हैं। फिर मैं मध्य प्रदेश शासन से भी पूछना चाहता हूं, क्या MRP से डबल रेट पर शराब बेचना कानून के दायरे में आता है? क्या इस पर किसी भी तरह से अंकुश लगाने की कोई कानून संहिता के अधीनस्थ संविधान में कुछ भी दर्शाया नहीं गया है कि आपके बस की बात यह नहीं रह गई है कि इन शराब दुकानों के जो ठेकेदार हैं इनके ऊपर कोई अंकुश लगाया जा सके? अरे मैं तो कहता हूं इन शराब दुकानों को आप बंद कर दीजिए। इस तरह की लूट आखिर कब तक चलेगी? आखिर कब तक ये युवा जो होते हैं और ये जो गरीब लोग होते हैं जिनको आपने आदत डाल के रखी है इन शराब दुकानों के माध्यम से, कब तक इनके जेब में आप डाका डालते रहेंगे? मैं सभी समाज से ऐसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मुद्दों पर आप जरूर प्रकाश डालिए, और सभी बड़ी मीडियाओं से भी निवेदन करना चाहता हूं इस मुद्दे पर आप जरूर आवाज उठाइए। बहुत से ऐसे मीडिया साथी हैं जो लगातार ऐसे मुद्दे पर लगातार प्रकाश डालते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जहां वो पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन इस वीडियो को जरूर आप शेयर करिएगा और इस वीडियो पर आप जरूर सपोर्ट करिएगा। हो सकता है आपके सपोर्ट मात्र से ऐसी लूट को रोका जा सकता है। ये बहुत बड़ी व्यापक पैमाने पर पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की लूट लगातार मची है, और इस तरह की लूट लगातार मची रहेगी जब तक कोई अंकुश लगाने वाला यहाँ आएगा नहीं। आखिर हम ही आप तो आवाज़ उठाएंगे, इन गरीबों के लिए आवाज़ उठाएंगे। क्या गरीबों को आवाज़ उठाना भी एक गुनाह हो गया है? क्या सच के साथ लड़ना भी एक गुनाह हो गया है? आखिर कब तक हम वाहवाही करते रहेंगे? क्या युवाओं की बात करना गुनाह हो गया है? जिंदगी मिली है तो आवाज उठाता रहूंगा साथियों, जब तक मेरे जान में जान है। इसी साथ देख रहे थे बिंद 24, मैं रंजन सवाल। जय हिंद।